शाहनवाज शेख मेरे साथ था वो इलेक्शन जब लड़ा भी नहीं था ना, उसके घर का छोटा सा बड़ा, उसके अब्बा को जब पुलिस उठा के लेके जाती था तो ये रफीक था जो छुड़ा के लेके आता, मांगता तो पूछ लेना उसके कुछ भी मैटर, उसकी जो चाइनीज चलती थी ना उसमें आकर दो एक हवलदार भी आता था, मेरे को फ़ोन करता था कि रफीक भाई समझे। तो शाहनवाज को ये नहीं है, वो मेरे से पहले भी मुझसे काम लेता था और जब नगर सेवक बन गया तो ठीक है, मेरा कोई उससे ये नहीं था, काम अच्छे हो रहे थे तो मेरे को मेरे से राय लेके काम पूछता था और मैं काम में करता था, कोई उसका कोई मैं ये नहीं होता। राजी मुंबई में नूर के साथ आपका स्वागत है दोस्तों। हम मौजूद है चिता कैंप के ठीक उसी जगह पर, करबला मैदान के रोड पर, जहाँ पर 3 से 4 दिन पहले कॉरपोरेटर शाहनवाज शेख और कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता रफीक भाई के बीच में जो है विवाद हुआ था नल को लेके, पानी को लेके, जो नल की शिफ्टिंग को लेकर। तो आज हम देख रहे हैं कि शाहनवाज शेख की बात को क्रैक कर जो है ये नल का जो होल कहीं और कहा करा जा रहा है। हम बात करेंगे रफीक भाई से कि असल में हुआ क्या था, इसके पीछे क्या कारण था, क्या राज था इसके पीछे। बीएमसी शाहनवाज शेख को जो है उस काम का, जिस काम के लिए वो लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे रफीक भाई से, उस काम का उनके पास पेपर है भी या नहीं, हम रफीक भाई से बात करेंगे। रफीक भाई क्या कहेंगे कि चीता कैंप में आपने नगर सेवक के काम में जो है आपने रोड़ा डाला था, इस तरीके की खबर आ रही थी और जो न्यूज़ हमने कवर की थी उसमें आपके और शाहनवाज शेख के बीच में एक विवाद हुआ था, सर पूरा मसला क्या था आप बताएंगे? एक्चुअली की अभी तो पहली बात बोलूँगा कि मैं सच्चाई की जीत हुई, हमने जो काम किया था एक साल पहले, पाइप जो डाला था यहाँ पर ब्लॉकेज हो गया था, शाहनवाज बोलता मैं डाला लेकिन मेरे पास एक एक एविडेंस है, मैंने घाटकोपर से लेकर आकर पाइप यहाँ पर 4-6 दिन कंटिन्यू खोद कर या पाइप डाला था, लेकिन उसने अचानक हमारे, सर मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा, क्या आपको लगता है एक सम्माननीय जो है नगर सेवक है वो झूठ बोल सकता है, उसके पास पूरे एविडेंस है, उन्होंने उस दिन इस चीज़ की दलील दी थी कि हमारे पास पूरे एविडेंस है तो उसको मैं आज की तारीख में बोलता हूँ, आज 4 दिन पहले उसने संडे के दिन काम किया था जहाँ बीएमसी का काम होता नहीं, आज की तारीख देता हूँ, आज की तारीख में भी अगर वो आज की तारीख का पेपर भी बता देगा ना तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूँगा, वो झूठा है, वो झूठ बोल रहा था, वो पेपर कोई दिखाया नहीं, कॉन्ट्रेक्टर में मेरे हाथ पाथ जोड़ा, बोला कि भाई ठीक है जाने दो जो भी हम लोग बात करते आपस में, 4 दिन तक मुझे अधिकारियों ने बोले आश्वासन दिया, 4 दिन कंटिन्यू मैं यहाँ बैठा लोगों कनेक्शन के लिए रोका, और अभी जब आज सुबह अधिकारी लोग आए उनको मैं बताया ऐसी सी बात है, 300 लाइन यहाँ पर जो सी सेक्टर नानावाड़ी में गई है वो लोगों को प्रेशर में तकलीफ होगी, आप इसको थोड़ा आगे करें, 10 फीट का मैंने डिमांड किया था लेकिन उन लोगों ने 40 फीट आगे कर उस कनेक्शन को बोले। मैं फिर पूछा कि भाई पेपर इसके नहीं है, हम लोग के तो पेपर है या सब लीगल नल है, तो बोलने लगा पेपर नहीं है, अभी पेपर बनने के लिए डाल दिए, पेपर बन जाएंगे। तो अभी तक मतलब ऑफिसर जो थे बीएमसी अधिकारी AE JE जो आए थे आशीष बाले वगैरह, उन्होंने कहा कि पेपर नहीं है, पेपर बन रहे, तो मतलब आज तक भी उसका पेपर नहीं है। रोड इतना वो इसने 500 मीटर का रोड खोद दिया है जो कि एक साल पहले ही रोड बना हुआ है, रोड को पूरा सत्यानाश कर दिया, इसको कौन बना के देगा, इसके 2 या 4 दिन बचे हुए, 2-4 दिन में तो चला जाएगा, अभी तो कोई आकर बनाने वाला नहीं है। तो ये मैं इसलिए इसको रोक रहा था कि भाई रोड खराब हो रहा है और लोगों को तकलीफ हो जाएगी पानी की, इसको कुछ मालूम नहीं, इसने जो पेपर जो बताया था वो 18 गली का जो गए साल उसने जो पेपर डाला था डी सेक्टर का, वो डी सेक्टर का जो गली में भी कनेक्शन ले जा रहा वहाँ पर पहले फारूक भाई की लाइन ऑलरेडी 2 इंच की है और वहाँ से वो लाइन शुरू किया था, 18 गली लाइन उसने डाला है, वही लाइन लेकर के सी सेक्टर में डाला, ये कहाँ से इंसाफ होगा कि डी सेक्टर वालों को यहाँ से वो भी सी सेक्टर वालों को तकलीफ देकर पानी दे रहे हो तो सही नहीं है ना, इसलिए हमने उसको रोका और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसमें मेरे सारे लोगों के साथ हमने उसमें सफलता पाई और मैं चाहता हूँ कि जो भी हो वो लोग भी कोई गैर नहीं थे, वो लोग भी अपनी है, मैं चाह रहा था कि उनको भी पानी मिले भले ही, लेकिन किसी को तकलीफ देकर दूसरों को पानी देना ये कहीं गवारा नहीं देता, इसलिए उसको सीखना चाहिए पहली बात, अब ये 5 साल उससे सीख गया है, आगे देखेंगे उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसा आप बोल रहे हो कि शाहनवाज के पास कोई पेपर नहीं है और आपने जो है आगे जो है वो जो होल करने के लिए बीएमसी वाले या जो भी है कॉन्ट्रेक्टर जो आए उनके पास क्या आज का पेपर है? नहीं आज का पेपर भी नहीं है, लेकिन हमको कोई पेपर से कोई
पेपर की बात नहीं थी हमारी, पानी के नल को लेके थी या रोड से थी? नहीं, ये दूसरों को जो कलेक्शन जो तकलीफ थी, दूसरों को तकलीफ थी, वो तकलीफ को दूर करने के लिए, मैं को किसी से विवाद नहीं था कि उसको पानी नहीं देवे ये देवे, उनको भी पानी दो, चाहे लीगल दो चाहे इलीगल दो, हमको कोई मतलब नहीं उससे। लेकिन हमने चाहा था कि भाई उसको तो आगे करके उनको, क्योंकि 500 मीटर की दूरी से वो पाइप बसी रहे, हालांकि उसके 50 फीट की दूरी पे ही पाइप मिल जाता है, उसको वहां से नज़दीक था, इतना पाइप का नुकसान, रोड का नुकसान और लेबर का नुकसान, ये सही नहीं था। रफीक जी, कहीं ना कहीं पहले आप शहनवाज शेख के साथ थे और अब आप शहनवाज शेख के साथ नहीं है, तो ये विवाद इसलिए तो नहीं है कि आप उनके साथ नहीं हो? शहनवाज शेख मेरे साथ था, इलेक्शन जब लड़ा भी नहीं था ना, उसके घर का छोटा सा बड़ा, उसके अब्बा जब पुलिस उठा के लेके जाती था तो ये रफीक था जो छुड़ा के लेके आता, मांगता तो पूछ लेना, उसके कुछ भी मैटर, उसकी जो चैनीज चलती थी ना उसमें आकर दो, एक हवलदार भी आता था, मेरे को फ़ोन करता था कि रफीक भाई समझे, तो शाहनवाज को ये नहीं है, वो मेरे से पहले भी मुझसे काम लेता था और जब नगर सेवक बन गया तो ठीक है, मेरा कोई उससे ये नहीं था, काम अच्छे हो रहे थे तो मेरे से राय लेके काम पूछता था और काम मैं करता था, कोई उसका कोई मैं ये नहीं होता। आपका ये कहना है रफीक भाई कि कॉर्पोरेटर शाहनवाज शेख जो कह रहे थे कि हमारे पास पेपर है और वो लीगल काम है ये रोड को खोदने का, तो शाहनवाज शेख आपका ये कहना है कि वो झूठ बोल रहे थे? अभी संडे से लेकर अभी आप 4-5 दिन हो गए, फिर उसको पेपर था तो खोद के लगाना चाहिए था, क्यों नहीं लगाया, लगाना चाहिए था उस वक्त, क्यों नहीं लगा, 4-6 दिन क्यों नहीं इंतजार किया? ये काम अगर तुम 5 साल बैठे रहोगे, 5 साल के बाद तुम सो रहे थे क्या? 5 साल तक क्या कर रहे थे उस वो गली के लोग? चल ठीक है, तकलीफ है पानी की, तो 5 साल तुम्हारे साथ ही रहते ना, जिसको नल दे रहा है वो किसके साथ घूमता है? वो अमित भाई बादशाह भाई किसके साथ घूमते? शाहनवाज के साथ घूमते ना, तो उनको दे सकता था कि भाई ठीक है तुम लोगों को पानी नहीं मिल रहा ना, तो पहला नल वहीं से शुरू किया था उसकी गली से, तो वहीं देता था पहला नल, अभी 5 साल के बाद क्यों इसको याद आ रहा है? रफीक भाई, बीएमसी के जो आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे सुबह जेई और एई जिन्होंने विजिट किया, उसके बाद आपको क्या लगता है कि ये काम के अभी भी पेपर नहीं होने के बावजूद आप लोग और सी सेक्टर के तमाम लोग जिन्होंने इस चीज़ की हामी भरी है कि करबला मैदान के पास जो लोग रहते हैं उनको पानी मिले, तो इसमें क्या मतलब आप क्या कहेंगे कि अगर इलीगल है तो उनको पानी मत दिया जाए? नहीं नहीं, पानी तो सबको मिलना चाहिए, हमको कोई मतलब नहीं, पेपर देखो वो कनेक्शन देगा, लीगल करना उसका काम है, क्योंकि देखो काते के नंबर कई नल इस सेक्टर में कटे थे, क्यों कटे थे? क्योंकि कुछ लोगों ने नल लगा दिया था, उसके पेपर बना के दिए नहीं थे, पाइप डाल दिए थे, फारूक भाई ने जो पाइप डाले थे उसके कई नल इस सेक्टर में कटे थे, क्यों कटे थे? क्योंकि उसके पेपर बने नहीं थे, आप जो बोलते ना, तो पेपर लोगों को बना के भी देना चाहिए, नल दे रहा है ठीक है, 18 गली दे 20 गली दे कोई बात नहीं, लेकिन उनको पेपर भी बना के देना चाहिए, पेपर भी बना के दे, ताकि प्रेशर बढ़ाने में भी लोग अधिकारियों को बोल सके कि भाई इतने कनेक्शन लीगल है आप इसका प्रेशर बढ़ाओ, वरना अगर ये कनेक्शन यहाँ लग जाता था तो ये सारी परेशानी पूरे इसी सेक्टर के लिए हो जाती थी। नहीं, ये लोग तो 4 दिन से बैठे थे कि भाई अगर वो कनेक्शन हमारे आगे लगता है तो हम लोगों को पानी की तकलीफ हो जाएगी, तो ये लोग इसलिए अभी बैठे थे, अभी अधिकारी लोग आए, उनको आश्वासन दिया भाई ठीक है आपके आगे ये कनेक्शन लगाएंगे, तो ये लोग बोले ठीक है हमको किसी से कोई विवाद नहीं, आप कनेक्शन आगे लगा दो। तो ये जो महिलाएं जो खड़ी है, ये पहले जो जिसमें से कनेक्शन दिया जा रहा था, ये महिलाओं के घर में वो कनेक्शन जा रहा था जिससे पानी की कटौती होने के चांसेस थे, ऐसा कहा जा रहा था, है ना? जी, महिला नहीं, सब जेंट्स भी है, चाचा है, मैं हूँ, सब सारे लोगों को। अभी हम जो है नए जमाने में जी रहे हैं, हर एक के घर में मोटर है, तो मोटर से तो पानी आराम से खींचा जा सकता है। अरे भैया, मोटर से ही खींचा आता है, बिना मोटर के तो पानी नहीं आता है, तो इसीलिए तो उसको बोले कि मैं आगे लगा, हमको पानी नहीं आता है, इसीलिए मेरे पास कुछ फोटोज है, मैं आपको बताऊंगा, ये लाइन ब्लॉक हो गई, सुनिए ना, नहीं सुनिए ना मेरी बात, मोटर है अभी, ऐसा कहना था नहीं, मोटर वही बता रहे, नहीं मोटर है, मोटर लगाने के बाद ही पानी आता है यहाँ पर, बिना मोटर के पानी नहीं आता, क्योंकि सिर्फ दत्ता नगर में पानी बिना मोटर के आता है, ट्रॉम में बिना मोटर के पानी आता है, पहली पारा में बिना मोटर के पानी आता है और मंडाला में बिना मोटर के पानी आता है, यहाँ पर तो चिता कैम का हाल ये है कि मोटर बिना लगाए पानी किसी को मिलेगा ही नहीं, ये हालांकि 1 साल पहले यह पूरा ब्लॉक हो गया था, हमने घाट के ऊपर जाकर वहाँ पर से पाइप मंगा के 6-7 दिन कंटिन्यू खड्डा खोदा, उसकी फ़ोटो मेरे पास है, मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ, वो फ़ोटो बताइए, वो फ़ोटो में देखिए, हम लोग ने वो खड्डा डाल के 6 इंच का पाइप हमने ऐसा गोल करके यू टर्न मारा, तब जाके वो क्लियर हुआ, आज प्रेशर वो बड़ा है, पानी नहीं आता था, और हमने उसको क्योंकि हमारे घर के भाई घर पहले तो हम देखते हैं भाई पब्लिक का नहीं थी, पहले तो हम हमारे घर का देखते हैं,
फिर बाद में मोहल्ले का देखते हैं, फिर पब्लिक का देखते हैं। तो हमारे यहाँ तकलीफ थी सारे लोगों को कि ये हमारा घर है यहाँ पर लोगों के, सारे लोगों के, तो हमारे को तकलीफ थी, इसलिए हमने उस काम किया और काम करने के बाद ही हम लोगों को सुविधा मिली। अगर अभी वापस से अगर आता है तो वापस वो पानी का प्रेशर कम हो जाएगा, इसलिए हमने उसको रोका। कहीं ना कहीं रफीक भाई ऐसा है कि ये जो इलाके में जो ये नल जा रहा था, ये जो कनेक्शन था, वहाँ के लोगों को आपने जो है पानी की किल्लत होने से जो है बचा लिया, है ना? तो क्या कहेंगे? मैंने नहीं बचाया, मेरा जमीर ने बचाया। क्योंकि मोहम्मद सलाम का कहना है कि तीन चीज़ें आप ये करो, अगर तुम में ताकत है तो हाथ से रोको, नहीं तो जबान से रोको या दिल में इकरार करो। मेरा हाथ ताकत थी, मेरे हाथ में, मैंने उसको रोक दिया। अच्छा, आप क्या कहेंगे कि ये जो फैसला यहाँ के लोगों ने लिया और ये जो अभी काम हो रहा है बीएमसी के द्वारा के नगर सेवक के द्वारा कि आगे लोगों को पानी मिलेगा, तो आप इससे सेटिस्फाइड है? सेटिस्फाइड है। कल आप क्या कहेंगे कि ये जो पानी के लिए ये जो रोका था आप लोगों ने, क्योंकि इसकी वजह से जो है सी सेक्टर के लोगों को पानी में कमी होगी, इस तरीके की बात सामने आई थी, तो आप क्या कहेंगे? हालांकि ये जो पानी जो आगे जा रहा है अभी, ये बराबर है या नहीं? नहीं, देखो पानी सभी को मिलना चाहिए जी। पानी जो है जा रहा है वो सही बात है, लेकिन हम लोगों को पानी भी मिलना चाहिए। समझ में आ रहा ना? हम लोग पानी के लिए बहुत ही तकलीफ उठाए हुए, अभी जाके सुकून मिला है, उनको भी पानी मिलने दो। हम लोग ये नहीं चाह रहे कि उनको पानी नहीं मिले, हमारे को मिले, हम ऐसा नहीं चाह रहे, पानी सबको मिले। रफीक सर, एक लास्ट सवाल रहेगा आपसे कि ये जो आपकी जो लड़ाई थी वो नगर सेवक से नहीं थी बल्कि उनके कामों से थी? जी हाँ, उसके कामों से थी। मेरे को क्या उससे, मेरा पर्सनल उससे कुछ नहीं है, समझे? मैं ये चाह रहा कि वो नगर सेवक के लायक भी नहीं, इसलिए बदतमीज़ इतना, वो जो लैंग्वेज यूज़ कर रहा था उससे ज़्यादा मेरे को आता है। मैं उस पर PhD किया हूँ, वो जो बोल रहा था, लेकिन आप लोगों ने शायद मेरे ख्याल से मेरी आवाज़ को दबा दिया था, इसलिए मैं ये नहीं कर पाया, है ना, उसको हाईलाइट किया। ठीक है, वो होगा कोई बात, लेकिन मेरी उससे कोई ये नहीं थी विवाद। मेरा कहना था कि लोगों को, मेरे लोगों को पानी मिले, इसलिए मैं ये विवाद खड़ा किया था।